हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो ऑफ ह्यूंडई क्रेटा BS4। और इस BS4 क्रेटा के अंदर जो किट लगाया हमने लवेटो EXR, विच इज़ अप्रूव्ड इन BS4 व्हीकल। लवेटो EXR का ये 32 पिन का ECM आता है। इसके साथ मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया बिकॉज आई डोंट वांट हिम टू फील एनी जर्क लैग नथिंग। मतलब आई टेक अ चैलेंज, द कार विल रन एज सेम एंड इवन बेटर देन पेट्रोल। इसके अंदर ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। देखो, लवेटो इज़ द ओनली किट विच इज़ कम्प्लीट इम्पोर्टेड। इसमें आपका गैस फिल्टर साथ में आता है, किट के साथ में। और ये BS4 के अंदर इनका डबल स्टेज का रिड्यूसर आता है। और ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। इस पे जो एक्स्ट्रा काम किया हूँ वो मैं बताता हूँ। इसमें इंजेक्टर्स में मैंने सारा सॉकेट टू सॉकेट, कपलर टू कपलर फिटिंग किया हूँ मैं। इसके अंदर मैंने कूलेंट कनेक्शन करके दिया, ये दो पाइप आपके कनेक्शन मैंने यहाँ से लिया। मैंने ये आपका ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने दोनों पाइप लिया है, मैंने एक इनलेट एक आउटलेट। इस पर मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया। मज़ा आ जाएगा भाई गाड़ी चला के आफ्टर पुटिंग डायनेमिक एडवांसर। और इसकी वायरिंग स्लीविंग देखो आप, आपके ECM से और डायनेमिक एडवांसर से ये वायरिंग जो जा रहा है पूरा स्पायरल ट्यूबिंग में, प्रॉपर स्लीव। दिस इज़ द क्वालिटी व्हाट कार एनर्जी इज़ गिविंग अगेन एंड अगेन इन ईच एंड एवरी कार। मज़ा आ जाएगा भाई। इसमें जो सिलेंडर लगाया हमने 12 kg का सिलेंडर लगाया, एंड जस्ट सी द बूट स्पेस, मज़ा आ जाएगा। आइए, दिस इज ह्यूंडई क्रेटा भाई। पूरा स्पेस मिला है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्पेस। पूरा सामान आप रखो, यहाँ रखो, इसके ऊपर रखो, जहाँ मर्जी। जो स्टैंड का क्वालिटी है मेरा, वही रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड, बोल्टेड विथ TVS नाइलो लॉक नट बोल्ट एंड डक्टिंग। एक बार गैस डल जाने दो, इसकी लीकेज चेक करेंगे और डक्टिंग करूँगा मैं। अल्टीमेट जस्ट सी रख, मतलब पूरा स्पेस मिला हुआ है भाई को पूरा। दिस इज़ ह्यूंडई क्रेटा BS4। अब एक बार गैस डल गई है, एक बार सेटिंग करते हैं और एक बार ट्रायल लेते हैं। अब देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। आइए, 12 किलो का सिलेंडर लगाया और इसमें गैस आई है लगभग 7 kg 800 g। चलो, और एक बात मैं सभी भाई को मैं बता दूं, मैं क्रेटा जैसी गाड़ी नहीं है, पावर है, पिकअप है, सब कुछ है। और एवरेज लोकल के अंदर आराम से ये 17-18 की दे देगी और हाईवे में 22 से ऊपर 25 प्लस। चलो आप सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं। सो दिस इज़ ह्यूंडई क्रेटा BS4 भाई, अल्टीमेट है। एक बार भैया से पूछते हैं, गाड़ी जो आप चला रहे हो भैया, ऑनेस्टली बताओ, किसी भी गहरे और स्पीड में कहीं भी लैग या जर्क? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम। मतलब यू हैव रन फॉर अराउंड 63,000 किलोमीटर, जो आपने 63,000 चलाए और आप चला रहे हो, क्या फ़र्क है? कोई डिफरेंट है, मतलब कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, ठीक है, मतलब बेटर है। बेटर है, मतलब इट इज जस्ट सेम एज लाइक पेट्रोल। बिल्कुल, मतलब कहीं भी आप कोई फील नहीं है। बिल्कुल। और फिटिंग कैसा रहा, लड़के ने जो फिटिंग करी है कैसा है? अच्छा है, कूल है। फिटिंग बेटर है, फिटिंग बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फिटिंग, अच्छा। चलो, कपलर टू कपलर। मैं आपको सुबह कहा था, मैंने कि मैं अपना जो बेस्ट लड़का है, एक 24 साल पुराना है, मैं वो दे रहा हूँ। आप एक बार उसका हाथ देखो, एकदम अल्टीमेट साफ है एकदम। नहीं, उसने बहुत टाइम लेके और बहुत अच्छे तरीके से काम करा है उसने। बिल्कुल अच्छी फिटिंग करी, टाइम टेकिंग मैटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर उसने वायरिंग वगैरह कर दी। बाकी मज़ा आएगा भाई, क्रेटा के अंदर हमें पता है क्या करना है और क्या लगना है, क्या एडवांस करना है, कितना मैप रखना है, सब हमें पता है। इनको लॉन्ग रन पे इनको मज़ा आएगा। अभी इन्होंने मतलब लगभग 63,000 किलोमीटर से ये चला है। अभी मैं कह रहा था, अगर पहले CNG लगवाते, खैर उस टाइम इनका रनिंग उतना नहीं था, उस टाइम लगवाते तो लगभग अब तक 3 लाख रुपए बच चुका था। लेकिन चलो, अब चलेगी, अब इनकी रनिंग बढ़ गया है इसलिए इन्होंने CNG लगवाया है, अब चलेगी और काफ़ी सेविंग्स होगा, काफ़ी। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।